केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं बेटा, और इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसीन गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी बेटा 2000 ईस्वी में। और बेटा जो इन्होंने कविता में सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो बेटा अब हम ये कविता पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये मैंने अभी बताया आपको, चंद्र ग्रहणा मित्र एक जगह का नाम है, और वेद मतलब होता है बाघ। क्या मतलब वेद मतलब बाघ, ठीक है। तो इसमें जो कवि है बेटा ये अपने गांव से लौटता है, तो उसका वर्णन कर रहा है। देख आया चंद्र गहना कि मैं देख आया चंद्र गहना को, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। बेटा मेड़ होता है, जब खेत में जाते हैं तो साइड साइड में थोड़ी थोड़ी मिट्टी बनाकर ऊंचा ऊंचा सा कर देते हैं, ताकि ये पहचान रहे कि ये खेत यहाँ तक है, और जब कोई वहां से कोई गुजरे जाए वहां से तो खेतों के बीच में से न जाकर उस पर चले। और इसको देसी भाषा में बोलते हैं डोला, ठीक है। लेकिन वो जो मेड़ जो बनाते हैं उससे क्या होता है, जब खेतों में पानी देते हैं तो पानी भी रुक जाता है और उसको मेड़ बोलते हैं। तो वो कवि कह रहा है कि मैं चंद्र गहना देख पाया हूँ, देखता हूँ दृश्य अब मैं, दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा गया। जो दृश्य है अब भी वो मेरे सामने है, और मैं अकेला बैठकर उस दृश्य को देख रहा हूँ। किस पर बैठकर? मेड़ है, जो मैंने बताया है कि खेत के पास साइडों में से ऊंचा ऊंचा मिट्टी लगाकर कर देते हैं उसको चारों तरफ से, उसके ऊपर बैठकर क्या कर रहा है, कभी खेतों को देख रहा है, वहां पर अकेला बैठा हो, जो इसने दृश्य देखा उसका वर्णन कर रहा है, बता रहा है। एक गिद्धे के बराबर यह हरा टिकना चना, कि एक गिद्धे के बराबर बिता होता बेटा नापने के, जो हम नापते हैं तो नापने को बोल रहा है बिता, जो हमारा इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक जो होता है बिता बोलते हैं इसको। जैसे फिट होता है, ठीक है, गज होता है, तो इसीलिए बिता बिते बिते हैं, ठीक है। तो एक बिता के बराबर यह हरा ढीला चना, ढीला बिता होता है छोटा, ठीक है। ये बिते के बराबर यह हरा ढीला चना, चना का
ये बेटा ए